नमस्कार एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो कि है लॉ ऑफ गियरिंग। तो लॉ ऑफ गियरिंग क्या कहता है, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ गियरिंग स्टेट्स दैट कॉमन नॉर्मल टू द टूथ प्रोफाइल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड पिच पॉइंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रेशियो। अब ये स्टेटमेंट में जो भी हमने बातें कही हैं, ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम इसका थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। तो इसकी स्टडी करने के लिए हम इसका डायग्राम बनाने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसका सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम दो टूथ प्रोफाइल्स बनाएंगे। ये हमने एक टूथ बनाया, जैसे कि सपोज ये एक वन टूथ है और ये अपना दूसरा टूथ जो है वो इस पॉइंट पर इससे मैश कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ पर हम इसका जो है कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, कॉमन टेंजेंट इस तरीके से। ये हो गया हमारा कॉमन टेंजेंट टी टी। और अब हम इसका कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने इसका कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक। अब हम ये पॉइंट जो कांटेक्ट है इसको हम क्यू नाम देंगे। यहाँ पर हम दो टूथ जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो पहला टूथ जो है ओ वन, और इसका दूसरे टूथ का जो सेंटर है वो है हो गया पिच सर्कल ओ टू, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेंटर्स को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे इस तरीके से। ये हमने इनको ऐड किया। अब इसने इस लाइन को कॉमन नॉर्मल को, ये क्या है एक्चुअली, कॉमन नॉर्मल, ठीक। कॉमन नॉर्मल को जिस भी पॉइंट पर क्रॉस किया है वो है हमारा पॉइंट पी। इट इज अ फिक्स पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, पिच पॉइंट। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट कि पिच पॉइंट इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पिच सर्कल्स, बिटवीन टू पिच सर्कल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको ऐड कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से ओ वन से क्यू इस तरीके से ऐड कर देंगे। अब हम ओवन से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची टू द कॉमन नॉर्मल, इसको हम एम नाम देंगे। सिमिलरली यहाँ से हम एक कॉमन नॉर्मल पर जो है परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको हम एन नाम देंगे। ये जस्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कॉमन नॉर्मल से। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये है एक्चुअली क्या, अल्फा। और ये वाला जो एंगल है ये है बीटा, ठीक। तो अभी तो हम इतना डायग्राम रहने देते, इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे क्या है कि यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, जब कंसिडर दैट द गियर व्हील वन, जब हम व्हील वन को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा कि पॉइंट क्यू को, पॉइंट जो क्यू है उसको हम मानेंगे कि ये जो है क्यू मूव्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स। ये हुआ डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स, सॉरी क्यू एक्स, ठीक है। क्यू एक्स के डायरेक्शन में जब क्यू जो है मूव कर रहा है, तो सो वेलोसिटी अलोंग द क्यू एक्स, इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी उसको हम कंसिडर कर रहे हैं वी वन। एंड सिमिलरली एंड इसमें ये भी है कि आप जो आपका क्यू पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा वी वन वेलोसिटी के साथ कि ये क्या हो, ओ वन क्यू के जस्ट परपेंडिकुलर हो। सिमिलरली अब हम एक नेक्स्ट वेलोसिटी के थ्रू इसको मूव कराएंगे, ये है वेलोसिटी वी टू और मूविंग टुवर्ड्स द क्यू वाई डायरेक्शन एंड इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द क्यू ओ टू, ठीक है। ये क्यू ओ टू, तो इसको हम बोलेंगे
कितना V2। अब हम इनको ऐड कर देंगे यहाँ से, और जिस पॉइंट पर ये कॉमन नॉर्मल को कट कर रहे हैं उसको हम जो है नाम देंगे कुछ भी, आप X Y Z नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको नॉमिनेट कर दिया, ये एंगल बीटा हो गया, अल्फा हो गया। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री ये एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल अल्फा होगा और ये एंगल बीटा है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी बीटा होगा। इसके बाद ये जो लाइन देख रहे हैं आप कॉमन नॉर्मल पर, ये क्या है, इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा लॉ ऑफ केयरिंग का डायग्राम, ठीक। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या किया कि हियर वी कंसिडर दैट द गियर व्हील वन, ठीक है, गियर व्हील वन कंसिडर किया, देन पॉइंट क्यू मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू एक्स सो दैट वेलोसिटी अलोंग क्यू एक्स इज वी वन, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर वी वन लिखा, एंड एंगल एन क्यू एक्स इज वॉट अल्फा, ठीक है। सिमिलरली इफ वी कंसिडर गियर व्हील टू, पॉइंट क्यू मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू वाई सो द वेलोसिटी अलोंग द क्यू वाई इज वी टू, एंड ऑल्सो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वी कंसिडर दैट क्यू वाई इज परपेंडिकुलर टू द क्यू ओ टू और ओ टू क्यू, ठीक है, एंड एंगल एन क्यू वाई इज इक्वल बीटा अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं, आगे हम देख रहे हैं द टीथ आर टू रिमेन इन कॉन्टेक्ट, then the components of these velocity along the common normal mn must be equal, that means what, कि अभी हम ये consider कर रहे हैं कि जो teeth हैं वो अभी contact में ही रहेंगे, है ना, contact में ही है, तो इस condition में क्या होगा कि v1 and v2 का जो component है वो equal होगा, है ना, that means along the mn इनका जो component है वो equal होगा, mn के along में v1 का component क्या आएगा, आपका क्या आएगा, V1 cos alpha and V2 का क्या आएगा, V2 cos beta, तो ये दोनों जो है इक्वल होंगे, है ना, सेम एज दैट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ V1 along the MN और कॉमन नॉर्मल इज V, ठीक है। इसका जो कॉम्पोनेंट है वो क्या है, कॉमन नॉर्मल के along, सॉरी क्या कहना चाह रहे हैं हम कि V1 का कॉम्पोनेंट MN के along क्या है, V, है ना, एंड ऑल्सो V2 का जो कॉम्पोनेंट है कॉमन नॉर्मल के अलोंग वो भी क्या है, V है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक इक्वेशन लिखी है कि V इज इक्वल क्या हो गया, ऑब्वियसली V1 cos अल्फा एंड V2 cos बीटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया, है ना। इसको अपन जब कोई भी एंगल से जब भी टिल्ट होता है, है ना, फोर्स या यहाँ पर वेलोसिटी है, तो उसको हम कैसे डिवाइड, कैसे कंपोनेंट डिस्क्राइब करते हैं, उसके डिवाइड करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका V1 cos अल्फा, है ना, और V2 के लिए क्या हो जाएगा ये V2 cos बीटा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब V1 इज इक्वल हमने लिखा है क्या, O1 Q ओमेगा 1, है ना, O1 Q ओमेगा 1, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इसकी हमने कंसिडर की है ओमेगा 1, और यहाँ पर हमने जो वेलोसिटी कंसिडर की है वो है ओमेगा 2, ठीक है। तो अब हमने V1 इज इक्वल ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमको पता है V इज इक्वल क्या होता है, ओमेगा R, तो यहाँ पर जो R हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर टीथ 1 के लिए क्या R है अपना, O1 Q, और टीथ 2 के लिए R कितना है अपना, O2 Q, तो इसलिए हमने यहाँ पर O1 Q ओमेगा 1 V1 के लिए लिखा है, है ना, R ओमेगा, एंड यहाँ पर V2 के लिए लिखा है हमने R ओमेगा 2, R क्या है यहाँ पर, O2 Q, ठीक है। अब यहाँ पर V इज इक्वल हमने ये जो दोनों वैल्यूज थे वो यहाँ पर पुट कर दिए, बट हमको पता है कि cos अल्फा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, cos अल्फा यदि हम यहाँ से डायग्राम से देखें, cos अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या हो गया यहाँ पर,
ओवन एम अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया आपका ओवन क्यू, तो कॉस अल्फा इज इक्वल क्या आ गया आपका ओवन एम अपॉन ओवन क्यू, एंड कॉस बीटा क्या आ गया आपका ओ टू एन अपॉन ओ टू क्यू, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 एंड 3 दे चुके हैं. अब पुट द वैल्यूज ऑफ वी वन एंड वी टू इन द इक्वेशन नंबर 1. अब हम यहाँ पर V1, V2 के जो वैल्यूज हैं एंड cos अल्फा के ऑल्सो जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल ओ टू एन अपॉन ओ वन एम. यहाँ पर ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे. V इज इक्वल, जैसे कि हमने इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज V1 एंड V2 के एंड cos अल्फा एंड cos बीटा की जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो O1Q से O1Q यहाँ पर कैंसिल हो गया, O2Q से O2Q यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल हमारा वैल्यू बना O2N अपॉन O1M बना. बट हमको पता है कि यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है, डायग्राम में क्या है ऑल्सो फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से हमारे पास O1 M P एंड कौन सा है O2 N P, ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं दोनों, है ना. इनको चाहो तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना. सिमिलर ट्रायंगल क्या है अपने पास, ये हो गया आपका P M O1 और ये हो गया आपका P P N O2, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. तो यहां पर सिमिलर ट्रायंगल से क्या हो जाएगा कि O2 O2 N, है ना, O2N अपॉन O1M इज इक्वल हम लिख सकते हैं O2P अपॉन O1P, है ना, ऐसा लिख सकते हैं. तो इक्वेशन नंबर जो है आगे जो फर्दर इक्वेशंस बनेगी हमारी 6 के बाद, यहाँ पर हम 7 नाम दे दें, इसको 8 नाम दे दें, है ना. तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यूज आ गई. तो अब इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 O2N अपॉन O1M एंड O2P अपॉन O1P, ठीक है. अब ये बन गया. अब इस इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी रेशो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस, रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस, है ना, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर्स O1 एंड O2, है ना, इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है. मतलब ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 यदि हम लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, इज इक्वल में O2P अपॉन O1P, है ना. तो वही चीज यहाँ पर बोली गई. और द कॉमन नॉर्मल टू द टू सर्फेसेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू इंटरसेक्ट्स द लाइन ऑफ सेंटर्स एट द पॉइंट पी विच डिवाइड्स द सेंटर डिस्टेंस इनवर्सली एज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज. तो ये तो थोड़ी सी बात हुई. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल O2N अपॉन O1M इज इक्वल O2P अपॉन O1P. यदि मैं यहाँ पर केवल ऐसा लिखूँ O1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल O2P अपॉन O1P, एंड अब इसके प्लेस पे, क्योंकि अब देखिए आप, मैंने यहाँ पर ये डायग्राम जो बनाया है इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये है एक्चुअली D1/2 एंड ये वाली जो डिस्टेंस है वो है D2/2, है ना, पिच सर्कल डायमीटर का जस्ट हाफ, ठीक है. तो वो लेना है हमको. तो यहाँ पर यदि हम लिख दें O2P की जगह क्या लिख दें, D2/2 अपॉन D1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा D2 अपॉन D1, एंड बिकॉज ऑफ प्रायर स्टडी ऑफ द गियर रेशो हमको पता है कि D2 अपॉन D1 जो पिच सर्कल डायमीटर का रेशो होता है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ, है ना. तो ये ऐसा है ना, अब इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल O2P अपॉन O1P इज इक्वल D2 अपॉन D1 इज इक्वल T2 अपॉन T1. तो यही चीज हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है. या फिर अदर वर्ड्स में मैं आपको बोलूं कि इन अदर वर्ड्स टू हैव अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द व्हील द पॉइंट पी मस्ट बी द फिक्स्ड पॉइंट, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, पिच पॉइंट फॉर द टू व्हील्स. इन अदर वर्ड्स द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अ पेयर ऑफ टीथ मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द पिच पॉइंट, है ना, पिच पॉइंट. दिस
is the fundamental condition which must be satisfied while designing the profile for the teeth or the gear wheels. It is also known as what? Law of gearing, है ना? तो ये जरूरी है, जब भी हम गियर की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमको ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब दो टीथ जो है मैश कर रहे हैं या कांटेक्ट में हैं, है ना, तो जो उनका जो कॉमन लाइन है वो किससे क्रॉस होना चाहिए? पिच पॉइंट से या फिक्स पॉइंट से. फिक्स पॉइंट को ही क्या बोल रहे हैं अपन, पिच पॉइंट. तो पिच पॉइंट से क्रॉस होना चाहिए, हमें डिजाइनिंग के टाइप याद रखना है, इसीलिए हम लॉ ऑफ गियरिंग का स्टडी करते हैं. तो फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछें. तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर मुझे बताएं. थैंक यू.